हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा किडनी डिसऑर्डर्स पे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था यूरिन का क्या कंपोजिशन होता है। कभी कभी उन्हीं कंपोजिशन में कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो ज़्यादा सीक्रेट होने लगते हैं, तो वो एक एबनॉर्मेलिटी कॉज करते हैं। जैसे कि पहली कंडीशन हम लोग देखेंगे ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा कि यूरिन में ग्लूकोज पास होने लगेगा, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, जैसा कि कंडीशन होती है डायबिटीज मेलाइटस के केस में। डायबिटीज के जो मेलाइटस कंडीशन है उसमें क्या होगा, जो नॉर्मल पर्सन होता है उसके यूरिन में ग्लूकोज पास होगा। दूसरी अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोसूरिया के बाद, तो दूसरा टर्म आता है प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया में क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रोटीन पास होने लगेंगे। नाम से पता चल रहा है प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया में क्या होगा, प्रोटीन कंपोनेंट्स पास होंगे इन यूरिन। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन यूरिन। नॉर्मली हमारे यूरिन में प्रोटीन और जो ग्लूकोज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, बट इन एबनॉर्मेलिटी की कंडीशन में ये प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो थर्ड डिसऑर्डर आएगा एल्ब्यूमिनूरिया। एल्ब्यूमिनूरिया एल्ब्यूमिनूरिया में क्या होगा कि यूरिन से एल्ब्यूमिन पास होगा। यूरिन में एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होंगे। ज्यादातर ये कंडीशन नेफ्राइटिस की कंडीशन में होती है। नेफ्राइटिस में क्या होता है कि जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है और ये कंडीशन नेफ्राइटिस कहलाती है। नेक्स्ट है कंडीशन हीमेचूरिया। हीमेचूरिया में स्टूडेंट्स क्या होगा, यूरिन में से ब्लड पास होने लगेगा, प्रेजेंस ऑफ ब्लड और ब्लड सेल्स इन यूरिन। हीमेचूरिया का हीम का मतलब ही ब्लड हो गया, यूरिन में ब्लड प्रेजेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग बात करते हैं यूरिनिया की। यूरिनिया में क्या होने वाला है, एबनॉर्मल राइज इन ब्लड यूरिया। जो हमारी ब्लड में यूरिया है वो उसका कंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, एबनॉर्मल राइज होगा, जिसकी वजह से किडनी फेलियर हो जाएगा, विच लीड्स टू किडनी फेलियर। हमारे ब्लड में यूरिया का कंपोजिशन बढ़ेगा, उसकी वजह से किडनी फेलियर होगा। और लास्ट डिसऑर्डर हम लोग डिस्कस करें अगर, तो वो है डायबिटीज इंसिपिडस। कंडीशन को बोलेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। ये क्यों सीक्रेट होगा, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था, जब भी मैंने आपको एडीएच बताया था, दिस अकर्स ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ एडीएच। जब एडीएच का अमाउंट कम हो जाएगा फ्रॉम पिट्यूटरी, पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाला हार्मोन था एंटी डायबिटिक हार्मोन, तो डायबिटीज इंसिपिडस में एडीएच बहुत लेस अमाउंट में होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डायलूट यूरिन प्रोड्यूस होने वाली है यहाँ पर। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में डायलूट यूरिन प्रोड्यूस होगी। और एबनॉर्मल यूरिन किसको बोलेंगे, जब हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही होगी तो कुछ डिसऑर्डर्स हमारी बॉडी में चेंजेस इन कंपोजिशन लाएंगे, जैसे कि ग्लूकोज अमोनिया पढ़ा, प्रोटीनूरिया पढ़ा। आप इसको हाईलाइट कर लें कुछ पॉइंट्स को। फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको ग्लाइकोसूरिया बताई, सेकंड प्रोटीनूरिया, थर्ड इज एल्ब्यूमिनूरिया, हीमेचूरिया, यूरिमिया एंड डायबिटीज इंसिपिडस। ये कुछ कंडीशंस थी और यही हमारे मेजर कंस्टिट्यूएंट्स हैं एबनॉर्मल यूरिन के। और नेक्स्ट लेक्चर हमारा स्टूडेंट्स होगा आर्टिफिशियल किडनी के ऊपर, जिसको हम लोग डायलाइजर बोलते हैं मशीन को, और प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं। तो मैं बताऊंगी कि इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है ये प्रोसेस, और एक्चुअली इसका क्या मैकेनिज्म है, क्या यूज है, वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट्स। उसके बाद हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका कि नाम होगा नर्वस सिस्टम। ओके, थैंक यू।